नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मुद्दा बिल्कुल अलग है। विदेशी मुसलमान छोड़ो हिंदुस्तान। विदेशी मुसलमान जब हम कह रहे हैं तो हमारा मतलब है रोहिंग्या मुसलमान। जी हां, मोदी सरकार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत को शरणगाह नहीं बनने देगी। आज ऐसे ही दो खास मेहमान, दो रोहिंग्या मुसलमान आज तक के स्टूडियो में है। आपका परिचय उनसे शुरू में ही करा दें। अब्दुल रहीम साहब ऐसे ही एक रोहिंग्या मुसलमान हमारे साथ है, और हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में शिराजुल्ला है जो कि रोहिंग्या मुसलमान है। आपको जरा समझा दें कि रोहिंग्या मुसलमान होते कौन है। म्यांमार से यहां आए हुए हजारों मुस्लिम शरणार्थियों में से एक है ये, जिन्होंने भारत में पनाह ली। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमानों की तरह यहां भी उनके लिए अब सवाल यही है कि क्या जगह रहनी चाहिए, क्योंकि इनके सिर छिपाने का सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पेश है। सरकार इनके आतंकी कनेक्शन, क्योंकि कथित रूप से यह माना जाता है कि जिस तरह का रुख रहा है पारंपरिक रूप से रोहिंग्या मुसलमानों का म्यांमार में, उसकी वजह से क्या आतंक से घिरे इस देश में इनके लिए जगह होनी चाहिए, यही सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी में है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के पास है, लेकिन केंद्र का इरादा अटल है। मोदी सरकार इनकी रिहाइश को गैरकानूनी मानती है और इन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ने का फैसला कर चुकी है। No human rights organization, no other country can accuse India of intolerant or dealing with Rohingyas in a very inhuman manner. They are illegal immigrants in India. Deportation has to be through a legal process. We are not going to use force to throw out anybody. So such image were painted as if we are very inhuman. We are not. In fact, no other country has accepted as much refugees as India has accepted. आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमान मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं। म्यांमार की सीमा से वो भारत आए और यहाँ के कई हिस्सों में बसते चले गए। केंद्र सरकार को अब इनकी रिहाइश खटक रही है, क्योंकि आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते दिख रहे हैं। हालांकि रोहिंग्या देश के संवैधानिक प्रावधानों के बीच यहाँ रहने को अपना हक मानते हैं। ना, हम मरने के लिए जाओगे क्या? मरेंगे तो यहाँ, इंडिया मार देगा तो यहाँ मरेंगे। जाओगे नहीं? ना, कभी ना जाएंगे। जो हम उधर जाओगे तो मर जाओगे, मार देगा उधर सरकार ने, तो हमारे को उधर देने से पहले हमसे इधर मार डालेगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा, हम इतना दुख नहीं पाऊंगे। हम इंडिया सरकार ने चाहता है कि हमको यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन हम मजबूर हैं, हम यहाँ से कैसे जाएंगी? अगर वहाँ का हालत अभी तो दुनिया को पता है कैसा जुलुम चल रहा है। बर्मा में नहीं जाएंगे हम, यहीं पे रहेंगे, क्योंकि बर्मा में बहुत जुलुम हो रहा है किसी जवान लड़कियों को, छोटे बच्चों को और माँ बहनों को, सबको मारता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा है, लेकिन बहस का एक पहलू ये भी है कि जब पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारत में बसने के मौके दिए जाते हैं, उन्हें भरपूर मदद दी जाती है, तो फिर मुसलमानों के लिए दोहरा मापदंड क्यों? आज तक ब्यूरो। और इन्हीं सवालों के बीच आइए अब अपनी बहस की शुरुआत करते हैं। म्यांमार में दरअसल रखाइन राज्य है जहां पर 90% से भी ज्यादा माना जाता है रोहिंग्या मुसलमान बसते थे। माना गया कि जो वहाबी कल्चर है वो इन पर इतना हावी हो गया कि कई हिस्सों में आतंकी बने कई लोग इसी रोहिंग्या मुसलमान कम्युनिटी से। अब इन सब के बीच सवाल ये माना जा रहा है कि क्या सबको एक रंग में रंग देना सही होगा? सवाल नंबर दो, भारत सरकार क्या धर्म के आधार पर शरणार्थियों के साथ भेदभाव कर सकती है? सवाल नंबर तीन, आखिर इन रोहिंग्या मुसलमानों का क्या होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार अभी तक अपने रुख पर देख रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगी, क्योंकि सरकार से उन्होंने
इस पर जवाब मांगा है। आपको यह भी बता दें, सरकार ने पहले ही कह दिया है कि हम डिपोर्ट करेंगे, यानी भारत से रोहिंग्या मुसलमानों को हटाएंगे। इसके खिलाफ जब दो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि इस पर रोक लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से जवाब मांगा है। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करा दे। समित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ संदीप सिंह, आरएसएस के आइडियोलॉग जुड़ गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान विजय शंकर तिवारी जी, वीएचपी के प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में है। सुनीत चोपड़ा जी, नेता सीपीआईएम के हमारे साथ है। और दो हमारे साथ रोहिंग्या मुसलमान स्टूडियो में है, अब्दुल रहीम साहब और साथ ही सिराजुल्ला, जिनका परिचय हमने आपसे कराया। अब्दुल रहीम साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। किस बरस में आप यहां पर आए, म्यांमार से आए? कौन से साल में आए? आप यहां पर कहां रहते हैं? रोजी रोटी आपकी कैसे चलती है? और सरकार ने कहा है कि हम रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे इंडिया से, इस पर आपका क्या कहना? हम 2012 में आया, 12/9/1 में आया। तो अभी शाहीनबाग स्वरम विहार के एक भूमि जगह है, ठीक है, 5 साल से आप यहाँ पे हैं? हाँ, यहाँ है। तो हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहा, जो कर रहा वो मिल रहा वो कर रहा, अगर नहीं मिलेगा तो उस दिन थाली रहना पड़ता, क्योंकि हम लोग इसी तरह दिन गुजार रहा, ना बिजली है ना पानी है, बहुत मुसीबत से हमारा दिन गुजार रहा। तो रात को मच्छर है, दिन में मक्की है, तो ऐसे हालत में हम लोग बसर कर रहा। तो फिर क्यों रह रहे इंडिया में अगर इतनी परेशानी? हम लोग म्यांमार से क्यों आए हैं? क्या हम लोग बर्मा का खान ये जुल्म का बात बताएगा, हमारा यह रात खत्म हो जाएगा, दिन खत्म हो जाएगा, हमारा जुल्म का बात खत्म नहीं होगा। इसी तरह जुल्म काके इंडिया पाना लिया हम लोग, तो हम लोग यहाँ आके ऐसे जुल्म होगा तो हम लोग कहाँ जाऊँगा? क्या जुल्म हुआ है? तो सरकार ने हमारे मोदी जी ने ऐसे ऐसे बता रहा, बोलता है रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से हटाने से आ रहा, अगर हटाने से हम लोग बर्मा में देगा तो गोली मार के मार देगा, अभी भी मार रहा। वहाँ पे क्या परिस्थिति है कि आप लौटना नहीं चाहते हैं? क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी ऐसे जुल्म हो रहा, सारे मकान जला दिया, स्ट्रीट के स्ट्रीट जला दिया, आदमी सारे बाहर रास्ते में हो गया, वीरान हो गया, मिलिट्री ने फौजी ने सारे जाकर वो जुल्म कर रहा, जो जो मिल रहा वो छीन लेता है, ऐसे ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं आ रहा। अगर हमारा स्ट्रीट में दो जगह है, एक तो बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के रास्ता बंद कर दिया, वहाँ पहाड़ के पुकी साइड उसी साइड में ज्यादातर आदमी है, वहाँ आदमी को बिल्कुल इसी तरफ आने नहीं दे रहा, मगरिब की तरफ। संबित पात्रा जी, क्योंकि सरकार में जो पार्टी इस वक्त है उसके प्रवक्ता आप है, ये इनका कहना है कि मजबूरी है, वहां पे ऐसे हालात है कि जान जा रही है, लेकिन फिर भी यहां पर रहना चाहते हैं। आपकी सरकार सख्त दिखती है कि आप इन्हें हटाएंगे? ये जो शीर्षक है कि विदेशी मुसलमान भारत छोड़ो, ये गलत शीर्षक है, मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा अवैध शरणागत, जो अवैध रूप से यहां शरणार्थी बने हुए हैं, इल्लीगल माइग्रेंट जिसको कहा जाता है, वो भारत छोड़ो, क्योंकि यही हिंदुस्तान की संविधान कहती है। देखिए इस विषय को लेकर 9 अगस्त 2017 को भारत की सरकार ने भारत के पार्लियामेंट में जवाब दिया था। मैं उस जवाब का कुछ अंश बता देता हूं व्यूअर्स के लिए और जो हमारे दो रोहिंग्यान भाई बैठे हुए हैं उनके लिए। पहली बात है कि यूनाइटेड नेशन का 1951 का जो कन्वेंशन है रेफ्यूजी को लेकर, शरणागति को लेकर, उसका हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया है, भारत उसका उस कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। 1967 में जो उसका एक्सटेंशन प्रोटोकॉल हुआ उसका भी वो सिग्नेटरी नहीं है भारत, अर्थात भारत में कोई रेफ्यूजी लॉ नहीं है। हाँ, भारत में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये पोर्शन बहुत महत्व से सुन लीजिए, ये जरूरी है। भारत का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रेफ्यूजीज को लेकर है कि अगर आपके पास रेगुलर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसको कि साधारण भाषा में पासपोर्ट कहते हैं, वो है, आप यहां पर शरणार्थी बनना चाहते हैं, रेफ्यूजी बनना चाहते हैं, तो भारत की सरकार को अप्लाई करिए। भारत की सरकार को अगर ठीक लगा लेड रूल्स के हिसाब से कि आप थ्रेट नहीं है, तो आपको 5 साल रहने की इजाजत भारत की सरकार दे सकती है आईन के हिसाब से। बहुत अच्छा आपका व्यवहार रहा तो 6 साल दे सकती है। अगर आपके पास रेगुलर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इलीगल माइग्रेंट कहलाएंगे। और ये जो चिट्ठी भारत के सरकार ने दिया है, इस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि रोहिंग्यान मुसलमानों को आइडेंटिफाई करना है और उनको डिपोर्ट करना है। उसमें लिखा है जो भी इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति धर्म का हो,
उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको डिटेन करिए और उसको डिपोर्ट करिए, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो में था और उसके आधार पर जनता ने हमें चुना है। मैं चाहती हूँ कि रहीम साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। पासपोर्ट है आपके पास? हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, लॉन्ग टाइम वीजा है, इनिशियल का कागज है। लेकिन तब उस तरीके से तो आप इलीगल हुए ना? मैं समझा देता हूँ, हम लोग तो यहाँ रहने के लिए कोई लॉन्ग टर्म वीजा होता नहीं है हमारे। लॉन्ग टर्म वीजा पे वो बताना चाह रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड संभव जी, एक सेकंड, इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं तमाम मेहमानों के पास आ रही हूँ। बोले लॉन्ग टर्म वीजा पर बोले, क्या बोल रहे हैं? हमारा यहाँ रहने के लिए कोई इरादा नहीं है। हाँ। इतना देर रह रहा, हमारा देश आजाद हो जाएगा, हमारा देश शांति हो जाएगा, हम लोग तो वापस जाएगा। हमारा जगह जमीन है, हमारा सब कुछ जायदाद है, हमारा 350 एकड़ जमीन है। हम लोग यहाँ के मेहनत मजदूरी करने का दिल नहीं कर रहा, हम लोग ये जान बचाने के लिए थोड़ा देर यहाँ रुका है। संबित पात्रा जी आ रही हूँ आपके पास। संबित पात्रा जी, देखिए मैं एक इसमें एक देखिए, मैं बहुत सिंपति रखता हूँ, मगर ये कहना चाहूंगा जो अब्दुल जी ने अभी कहा कि उनका देश आजाद हो जाएगा तब वो जाएंगे, ये गैर कानूनी है। आप सोचिए, कोई अगर कश्मीर का बासिंदा जाके पाकिस्तान में रेफ्यूजी लेता है और कहता है कि जब कश्मीर आजाद हो जाएगा तब मैं कश्मीर में चला जाऊंगा, तब तक मैं यहां शरणागति लेकर रहूंगा, यहां पर मैं रेफ्यूजी बन के रहूंगा, तो क्या ये उचित बात है? अभी मोदी जी म्यांमार में है और यहां बैठ के हमारे गेस्ट जो म्यांमार के ही यहां रेफ्यूजी है वो कह रहे हैं जब बर्मा आजाद हो जाएगा, वहां आजादी की जंग चल रही है, तब हम भारतवर्ष से जाएंगे। मुझे लगता है पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के क्यों ना हो, उनको इस बात की निंदा करनी चाहिए, भत्सना करनी चाहिए। सिराजुल्लाह जी, सर मैंने आपसे क्वेश्चन करना है सर। हाँ पूछिए सर। देखो ये भी एक रोहिंग्या मुस्लिम है और ये आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए सर। पूछिए सिराजुल्लाह। ये हमारा आज का नहीं है, ये जो बर्मा का सिचुएशन, जो बर्मा का हालत जो चल रहे थे, ये आज का नहीं है, 1947 से शुरू हुआ है सर। मैं उस दिन से हमारा जो बंदे जिसके हाथ में नेशनलिटी नहीं है, जिसके सामने सिटीजनशिप छीन लिया है, उनके पास कहाँ पासपोर्ट मिलेगा? एक सवाल यही है हमारा। दूसरी सवाल, हम लोग खुशी से यहाँ पे हिंदुस्तान पे नहीं आया, हमारी मजबूरी से जान बचाने के लिए यहीं पे हिंदुस्तान पे आया था सर। तो हम लोग यहीं पे, जैसे आपने कह रहा था हमारे पास, हम अपने देश शांति हो जाएगा था, हम लोग वापस जाएंगे, ये सही बात है। लेकिन जिस टाइम आकर हम लोग यहीं पे आया था, हम हिंदुस्तान की सरकार को अप्लाई नहीं किया, हम लोग हिंदुस्तान की सरकार को आवाज़ नहीं उठाया, हम लोग किया था यूनाइटेड नेशनल हाई कमिशन फॉर रिफ्यूजीज के लिए आवाज़ उठाया था, रिफ्यूजी स्टेटस लेंगे हम, फिर जाकर हमारी बात कर लेंगे, ताकि हम लोग एक दिन हम लोग रिटर्न हो सकता है, उम्मीद यही लेकर हम लोग वहीं पे जवाब देता हूं। देखिए इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है और उसको अच्छे से जवाब को सुनिए, क्योंकि करोड़ों लोग इसको जानना चाहेंगे। नंबर एक, आपने एक अच्छी बात कही और अभी आपके जो दूसरे वक्ता आए हैं रोहिंग्या मुसलमान जो है, उन्होंने कहा कि उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है। वो कैसे है? क्योंकि आप लोगों ने UNHRC को अप्लाई किया। ऐसे अप्लाई किए हुए लोग कितने हैं जो रोहिंग्यान मुसलमान हैं? मात्र 14,000 ऐसे रोहिंग्यान मुसलमान हैं जो कार्ड होल्डर हैं, अर्थात जिन्होंने ऑथेंटिक रूट से अप्लाई करते हुए यहां रेफ्यूजी ग्रहण किया है। बाकी 40,000 ऐसे हैं जिनके पास कार्ड नहीं है, जिन्होंने UNHRC को अप्लाई नहीं किया, अवैध रूप से, जिसको कहते हैं कि सरप्टिशियसली, चुपके लांद फांग करके, इन्फिल्ट्रेशन करके भारत में प्रवेश किए हैं, या तो बांग्लादेश के थ्रू से या तो म्यांमार के थ्रू से। तो स्वाभाविक है, भारत का संविधान सर्वोपरि है, हम लोग बहुत ह्यूमन विचारों को ध्यान में रखने वाले लोग हैं, कभी भी अमानवीयता किसी के साथ नहीं करते हैं, मगर जो हमारा संविधान है उससे बड़ा कोई नहीं। ठीक है, अब ब्रेक पर जाने से पहले एक एक लाइन का रिमार्क में सबसे तिवारी जी आपसे शुरू करते हो, क्या ये अमानवीयता होगी? नहीं नहीं, इनका काला इतिहास तो देख लीजिए, आकर वहां से ये भगाए क्यों जा रहे हैं, इनके ऊपर ये आक्रमण क्यों हो रहे हैं, ये वहां से भागने के लिए मजबूर क्यों हुए? जो कश्मीर में आतंकवादी वहां के हिंदू महिलाओं के साथ करते थे, ये वहां पर बौद्ध महिलाओं और बौद्ध लोगों के साथ करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनको बचाने के लिए वहां की सेना खड़ी हुई और इसके कारण ये यहां से जान बचाकर यहां भाग के आए। आपको एक बात बताऊं, मस्जिद से निकलते हुए अयूब की हत्या जिन लोगों ने की, उसमें रोहिंग्या मुसलमान भी थे, तो इनका चरित्र समझना पड़ेगा और इस चरित्र के कारण उनको यहां भागना पड़ा है, और यहां पर रुकेंगे तो जो हालत हुए वहां पर कर रहे हैं वही भारत में करना शुरू कर देंगे, इसलिए उनको जाना ही चाहिए। चोपड़ा साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे सर। चोपड़ा जी, मेरा ये कहना है कि हम आतंकवादियों को पनाह देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं,
लेकिन आतंकवादी के नाम पे हर रोहिंग्या मुस्लिम महिला बच्चा सबको हम वापस मौत के घाट पहुंचा दें तो ये हमारे देश की ना परंपरा है ना ये हमारे समाज का मान्यता है। जो अवैध शरणार्थी हैं, जो अवैध एक सेकंड जो अवैध शरणार्थी हैं, उन्हें भी मतलब उन पर कोई कदम नहीं उठाया जाए, ये आप कह रहे हैं? मतलब दोनों तरफ से कोई नियम तो होगा ना सर, अगर हम नियम से चलेंगे तो जो इलीगल इमाइग्रेंट है आपको सख्त होना पड़ेगा, तो फिर इस नियम से कोई भी हिंदुस्तान में रह सकता? हमारे अपने हमारे नागरिक कितने अवैध शरणार्थी कनाडा यूएसए में हैं, उसकी वजह से यहाँ रहने दे उनको। उनका समर्थन नहीं करना चाहिए हमें, अगर कोई इंडियन यूएस में रहता है तो समर्थन नहीं करते हैं हम उसका। बहुत जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, जर्मनी कनाडा एक दिन भी बिल्कुल उनका निकाला जाता है और अमेरिका में अवैध रह जाता है, ये कहना है पूरा हमारे ऊपर रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर पूरा वेरिफिकेशन करने के लिए। संजय जी आपका पॉइंट, एक सेकंड मैं आऊंगी आपके पास। संजय जी नहीं होगा, ठीक है, पूरे रोहिंग्या को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। संजय जी आतंकवादी एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, पूरे रोहिंग्या नहीं। जो 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 म्यांमार में इन्होंने किया है, आप चाहते हैं भारत में वही होना शुरू हो जाए, वही स्थिति हो जाए, इसलिए आप बसाना चाहते हैं। संजय जी आज मैं लूंगी जो बांग्लादेशी मुसलमान आकर जो कर रहे हैं वही ब्रेक के लिए मजबूरन ब्रेक लेना पड़ रहा है। आपका सवाल भी है संजय जी, ब्रेक के बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ, देखते रहिए। आज सवाल यही है कि क्या किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सरकार का ये कहना है कि हमने ये नियम सभी के लिए बताया जो भी अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहा है। दो तस्वीरों के साथ पाक हिंदुओं पर रहम, क्या पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रह सकते हैं? लेकिन अगर ऐसे ही मुस्लिम आए हो कहीं से म्यांमार से, जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहां पर सरकार बेरहम दिख रही है? इन्हीं सवालों के साथ लौट रहे फौरन, देखते रहिए आज हल्ला बोल के इस हिस्से की शुरुआत हम करना चाहते हैं प्रधानमंत्री के एक पुराने भाषण से। दरअसल ये मुद्दा खास तौर पर बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों का, घुसपैठियों का, चुनावों के वक्त पर खूब उठाया गया था असम में, बल्कि माना जाता है कि एक ऐसा मुद्दा था जिसने बीजेपी को वापस सत्ता पर काबिज किया। कहा था प्रधानमंत्री ने, पहले सुनिए। बांग्लादेश से जो घुसपैठी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग आए हैं। एक लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आए हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक डिजाइन को पार पूरा करने के लिए आए हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी दोनों पक्ष रखा था, और ऐसे लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं जो म्यांमार से इसी परिस्थिति में आए हैं। इनका कहना है कि इतनी खराब हालत है कि वहां रहना मुश्किल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ संजय झाजी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अवैध शरणार्थियों को हटाने की बात हो रही है, आप तो सत्ता में इस देश में रह चुके हैं, आप तो समझ रहे होंगे कि काले और सफेद का फर्क करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान को एक ऐसी जगह नहीं बनाया जा सकता है जहां पर मानवीय आधार पर हर किसी को रहने की इजाजत दे दी जाए, फिर कोई ये समझे ही नहीं कि मुझे मतलब लीगल और इलीगल के बीच का फर्क ही मिटा दिया जाए। जा जी अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज चर्चा कर रही हैं। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यही है कि ये एक मानवतावादी एक मसला है। इस बात पर कोई दो राय नहीं हो सकता कि उनकी ये आंतरिक मसले हैं या उनका आंतरिक विषय है म्यांमार का, परंतु जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार और जुल्म हो रहा है इस पर तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। देखिए उनको नागरिक होने का कोई उपलब्धि, कोई भी फायदा उनको नहीं मिलता, उनको तो वोट करने की भी उनको इजाजत नहीं है। अब देखिए विषय ये है कि जब हम लोग शरणार्थी को अब इजाजत देते हैं अपने देश में आने का, कोई भी देश का,
उसमें हम भी ये समझना चाहिए कि उसमें धर्म देके किसी को इजाजत नहीं दिया जाता। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जिस पर भारत भी एक सिग्नेटरी है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि देखिए आज भी इस बात का एक 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 हकीकत है कि वहां पर एक जातीय सफाया किया जा रहा है। ये बात भी सही है कि वहां पर आतंकवाद बढ़े हैं, लेकिन इसीलिए हमें गौर पढ़ना पड़ेगा कि हमारा परंपरा क्या रहा है कि यदि कोई शख्स जो अपने देश से भाग रहा है, जहां पर उसको देश में उसका कोई कत्ल कर देगा, यदि आप उसको अपने जगह में पनाह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपका एक आप अपने बॉर्डर्स को आपने खोल दिया कि आतंकवाद भी इधर आ रहा है। ये बात सही, इसको जोड़ना नहीं चाहिए। ये एक मानवतावादी इसको जोड़ना सही है या नहीं है, लेकिन मानवतावादी मुद्दा से बनाकर सर हिंदुस्तान की हालत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाए। क्या ऐसी जगह है इंडिया में? ठीक है, आप जब एक जिस प्रकार से कश्मीर को बांटने लिए कश्मीर के आतंकवादी वहाँ की सेना को मारते हैं, वहाँ की पब्लिक को मारते हैं, इसी प्रकार से म्यांमार को बांटने के लिए रोहिंग्या मुसलमान उसी प्रकार की मांग रखते हैं, वहाँ की सेना को मारते हैं, वहाँ की बैंडिट को मारते हैं, तो यहाँ के आतंकवादियों जैसे व्यवहार करते हैं, तो उनके लिए मानवाधिकार की बात करते हैं प्रशांत भूषण जी, तो यहाँ के जो लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं झा साहब, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है क्या? अभी अभी हम बात कर, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो अभी तक कुछ नहीं किया है, तो कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर में अयूब की हत्या कर दी, ये रोहिंग्या मुसलमानों ने कश्मीर में जाकर के कश्मीर में अयूब की हत्या कर दी, यहाँ यहाँ कुछ कम परिवार है। संजय जी, जब आप उसके बाद फौरन आ रही हो संबित जी। हाँ अंजना जी, देखिए बहुत ही अफसोसजनक होगा यदि भारत, जिसको भारत का इतना मर्यादा और छवि क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने अपने हमारा जो एक राजनीतिक और एक तरीके से हमारा एक परंपरा रहा है कि हम किसी को एक तरीके से नकारते नहीं है, नजरअंदाज नहीं करते हैं जिसको सचमुच जिसको पनाह देने की जरूरत है। आज आप बच्चों की बात करें, बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप औरतों की बात कर रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। छवि की दुहाई दे रहे हैं संबित पात्र। देखिए छवि भी है, कानून भी है, होता है कानून भी है, हमारा संविधान भी कहता है। जवाब मैं जवाब दे रहा हूं, शरणार्थी को इजाजत या नकारेंगे नहीं, ठीक है, सुनिए, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। संबित अपनी बात बोलिए जल्दी से। बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता है। याद दिलाना चाहूंगा कि जुलाई 7 2013 में महाबोधि मंदिर बुद्ध गया बिहार में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें अनेकों लोग मारे गए, उसमें रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए, वो तो सर्वविदित है। दूसरी बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने उस रिपोर्ट को छापा, 2 अगस्त 2013 शिशिर गुप्ता जी ने लिखा कि बांग्लादेश ने कहा कि लश्कर ए तोयबा रोहिंग्यान मुसलमान को आर्म्ड ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवादी गतिविधि के लिए। ये अगर हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज कह रहे हैं तो मैं बैठ के ये छवि देखूं या अपने देशवासियों की सुरक्षा को देखूं? आप बताइए। सुनील चोपड़ा जी, कांग्रेस तो सुनील चोपड़ा जी छवि देख देख के सब लोग आतंकवाद हो जाते हैं। बच्चा आतंकवाद है क्या? एक पीड़ित आतंकवाद है क्या? एक बुरा शख्स आतंकवाद है क्या? एक महिला जिसको बलात्कार किया गया क्या आतंकवाद है? वोट पाने के लिए अरे आप वोट पाने की राजनीति भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर भी सांप्रदायिक रंग को ले आया है, को बेच देगी पानी जी। आपने यहाँ भी सांप्रदायिक रंग ले आया है। मुझे संदीप जी के पास जाने दीजिए, आवाज नहीं। संदीप सिंह संदीप सिंह छोटे बच्चे, छोटे बच्चे हिंदू पंडितों के बच्चे वहां से दर बदर कर दिए गए, तब आपको ये बात नहीं ध्यान में आई थी संजय जी? जब कश्मीर से उन्हीं आतंकवादियों के कारण हिंदू पंडितों के छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए, घर से दर बदर दिए, तब ये भाषा नहीं निकल रही थी? संदीप सिंह जी, मैं आपका सवाल लूंगी, एक सेकंड संदीप जी के पास मुझे जाने दीजिए, फौरन आने दीजिए। संदीप जी, संदीप जी, तिवारी जी, संदीप जी क्यों ले आते हैं आप? एक सेकंड झा साहब, एक सेकंड संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पहला सवाल ये संदीप जी जहर क्यों मिला देते हैं हर जगह? बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि सब सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं। संदीप जी, संदीप जी देखिए, पहले तो बात मैं बता दूं कि मैं संघ विचारक नहीं हूं, मैं संघ समर्थक हूं, ठीक है। और दूसरा, मेरे पास आप 45 मिनट बाद आई हैं तो मेरे को 5-6 मुद्दे रखने हैं, आप रख लेने दीजिएगा। पहला सवाल तो ये पूछना चाहिए कि अगर ये रोहिंग्या मुसलमान है तो इनको बांग्लादेश क्यों नहीं रखना चाहता है? इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि आतंकवादी हैं। आपको इनको तो स्टूडियो में भी नहीं बुलाना चाहिए था। आज तक हम कश्मीरी पंडितों को नहीं उनको हम ठीक से रख पाए हैं, वो दिल्ली में शरणार्थी बने घूम रहे हैं। हमको बाहर से और मुसलमानों को बुलाने की जरूरत नहीं है।
इन मुसलमानों ने इस देश में हिंदुओं का क्या किया है वो केरल में दिखता है, वेस्ट बंगाल में दिखता है, केरल कश्मीर में दिखता है। सवाल ये उठाना चाहिए कि इन 40,000 मुसलमानों को किसने ले आया, कांग्रेस ले आई या लेफ्ट ले आया, किसने इनको बांग्लादेश से घुसने दिया या किसने इनको बॉर्डर से घुसने दिया। उन लोगों पर आतंकवाद निरोधी कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बेतुका बातें कर रहे हैं? कौन देता है इनको नौकरी, कौन देता है, इनसे कार्रवाई होनी चाहिए। हम आतंकवादियों को यहाँ बकवास बात कर रहे हैं। 10 साल वाइस प्रेसिडेंट रहने के बाद हामिद अंसारी ने कहा कि यहाँ मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये 40,000 मुसलमान कैसे यहाँ आए, या तो इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। हामिद अंसारी जी ने बिल्कुल सही कहा है, कांग्रेस घुसा के लाई, आप लोग सांप्रदायिक है, चर्चा होनी चाहिए। आप लोग हर जगह मजहब की राजनीति करते हैं, आपको सिर्फ धर्म की राजनीति में मुसलमान करना आता है, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया। संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी हर जगह हिंदू नहीं करता, हर जगह सांप्रदायिक जहर फैलाने में लगी है। हिंदू समझता है मूर्खतापूर्ण बातों को। ठीक है, वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं क्योंकि अब एजेंडा आपकी तरफ जा रहा है, जो जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं। एक सेकंड, कश्मीर से एजेंडा उधर नहीं जाएगा जिधर आप जाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज अपनी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स का मसला है, इसकी कार्रवाई। ये तो विदेशी रोहिंग्यान मुसलमान बोलने की क्या जरूरत है, रोहिंग्यान तो विदेशी है, ये विदेशी और देशवासियों के बीच का मसला है, इसको हिंदू मुसलमान चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत। बांग्लादेश क्यों नहीं रखता है मुसलमान है, पाकिस्तान बोलता है दुनिया के मुसलमान। एक सवाल करना चाहता है, ठीक है, आप एक इंटरप्रेटर के रूप में भी काम कर रहे हैं पिछले कितने साल से इंडिया में, एक सेकंड सर, इसके बाद में चोपड़ा साहब आपके पास आ रहे हैं, इसके बाद चोपड़ा साहब आ रहे हैं, सिराजुल्ला पूछे। जी मैं 2012 में जब हिंदुस्तान पे आया था, तब मैं 2 साल करने के बाद मैं फिर आया था, मैं यूएन की ऑफिस में जिस जहां से हम लोग ये कार्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसी जगह पे हम लोग काम करता था, उसी में बुरी चर्चा होनी उसमें यूनिसीआर की प्रोसेस देखो, यूनिसीआर की प्रोसेस देखो। पहले सर आप सब सुन लिया, मैंने एक बार हमारे भी सुन लिया करो सर, हम हिंदुस्तान पे आपका नेशनलिटी छीनने के लिए नहीं आया, हम लोग आपको आपकी ये यहाँ पे सिर्फ जान बचाने के लिए आया था सर, एक चीज हमारी बात भी सुन लिया करो सर। सर प्लीज, सर प्लीज, मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ सर, हमारे लोग हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोगों को पूरी वेरिफिकेशन करो सर, हम लोगों को पूरी वेरिफिकेशन करो, हम लोग आतंकवादी है और कुछ है, ये एक चीज है सर। और एक चीज सर बताया था, जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट में हमारे अधिकार नहीं है, बम ब्लास्ट में पूरी वेरिफिकेशन करवाई सरकार के यहाँ पे, सरकार ने वेरिफिकेशन करने की बात उसको रिहाई कर दिया, क्यों किया इसको रिहाई, अगर वो आतंकवादी है वो क्यों किया। जहाँ ये कुछ परिवार है वहां तो शांति से रहते हैं, कश्मीर पहुंच जाते हैं तो आतंकवादियों के साथ मिल जाते हैं, तो जो चरित्र इनका म्यांमार में है वही चरित्र ये भारत में जहाँ इनकी अपनी मिल जाती है। निकाला गया तो हर ऐसे बता रहा ना, एक आदमी तो पकड़ा नहीं गया, हालत कश्मीर में कश्मीर के आतंकवादी कर रहे हैं वही हालत आप म्यांमार में, वहां सुनो मेरी बात, मैं जल्दी से संकट है, मैं सुनो, मैं ये हुआ था 78 में बर्मा में रिफ्यूजी, ब्रेक लेना पड़ रहा है, वक्त जाया किए बिना मैं चाहती हूँ संबित पात्रा जी, क्योंकि सरकार की तरफ से आप बैठे हैं, इस पूरे मुद्दे पर हमने सरकार का स्टैंड देख लिया है, किस तरह से पूरी स्थिति को सरकार आगे देखती है और सख्ती बरती जाएगी ऐसे अवैध शरणार्थियों के लिए, बस ये भरोसा कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, ये सबसे बड़ी ऐसी चीज है जिस पर सबकी नजर है। देखिए अंजना जी, आरंभ में ही मैंने कहा कि ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये अवैध शरणागत जो रह रहे हैं यहाँ पर, इलीगल माइग्रेंट के रूप में जो रह रहे हैं, उन शरणार्थियों के ऊपर कानूनी रूप से जो कार्यवाही होनी चाहिए उनको आइडेंटिफाई करके डिटेन करके डिपोर्ट करना चाहिए, हिंदुस्तान की संविधान वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। चोपड़ा जी, ऐसे में वोट बैंक की राजनीति नहीं। जी हाँ, मेरी एक तकलीफ हो सकती है, सितंबर 2015 का नोटिफिकेशन है पासपोर्ट एक्ट का, जो कहता है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट आ सकते हैं, मुसलमान का नाम नहीं है उसमें। तो मैं मानता हूं कि जिस सरकार के अंतर्गत ये आया है वो सरकार की
जो सांप्रदायिक कोई ऐसा पासपोर्ट एक्ट नहीं है हिंदुस्तान में, रेफ्यूजी कानून ही नहीं है तो क्या पासपोर्ट एक्ट? हिंदुस्तान में रेफ्यूजीज को लेकर जो भी विषय तय होता है वो फॉरेनर्स एक्ट 3/2 के अंतर्गत होता है, ये पासपोर्ट एक्ट के कुछ नहीं होता है।